नमस्ते फ्रेंड्स, और आज हम इस रिव्यू में बात करेंगे होंडा सिविक की, जो कि एक जैपनीज कॉम्पैक्ट सेडान है। जनरली मैं आपको बताते चलूं तो 1972 में लॉन्च हुई थी होंडा सिविक, और ये आप आज 2019 का 10th जनरेशन वेरिएंट देख रहे हैं। और ये आती है पेट्रोल, डीजल, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। रेंज शुरू होती है 20 लाख से, टॉप मॉडल कीमत है 26 लाख रुपीज, और ये टॉप मॉडल होंडा सिविक ZX देख रहे हैं। जेरर्ड हॉल ने डिजाइन किया था होंडा सिविक को। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिर्फ पेट्रोल में आएगा, डीजल इंजन में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन आएगा। दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार्स में से एक है होंडा की सिविक, और आज लगभग 2.2 करोड़ से भी ज़्यादा होंडा सिविक बिक चुकी है दुनिया में। होंडा सिविक होंडा सिटी और होंडा एकॉर्ड के बीच में आती है, और ये है फुल LED हेडलाइट LED DRL के साथ। काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश दिखती है ये हेडलाइट होंडा सिविक की। और यहाँ नीचे क्रोम हाईलाइट में LED फॉग लाइट है। क्रोम फिनिश में काफ़ी अच्छी लगती है फॉग लाइट। ये है ग्रिल, होंडा सिविक की लोअर ग्रिल है ये। सिविक के हैचबैक और टू डोर कूपे वेरिएंट्स भी आते हैं कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स में। और ये है होंडा की सिग्नेचर विंग फेस क्रोम ग्रिल। ये है होंडा का लोगो। टोटल 5 कलर्स में आती है होंडा सिविक। ये आप रेड कलर देख रहे हैं, वाइट, ग्रे, ब्राउन, सिल्वर का भी ऑप्शन है होंडा सिविक में। होंडा सिविक का फेसलिफ्ट वेरिएंट भी आ चुका है कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स में अभी, लेकिन इंडिया में नहीं आया है। और यहाँ आगे 2 रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलेंगे, और यहाँ ऊपर आपको रूफ पर सनरूफ दी गई है, और यहाँ पीछे सार्फिन एंटीना दिया गया है। परफॉर्मेंस और स्पोर्टिनेस के लिए जानी जाती है होंडा सिविक। हायर ग्रेड स्टील से बनी है सिविक की बॉडी। नॉइस, वाइब्रेशन और हार्शनेस को कम करने के लिए ट्यूलेट फील्ड सस्पेंशन का कुशंस है होंडा सिविक में। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल आउटसाइड मिरर्स मिलेंगे LED 10 इंडिकेटर्स के साथ। बात करें होंडा सिविक के और वेरिएंट्स की, उसमें 3 और वेरिएंट्स आते हैं जो कि 2000cc, 1000cc और 1500cc पेट्रोल इंजन में आते हैं, जो भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। बात करते हैं सिविक के डायमेंशंस की, तो इसमें आपको 4.6 मीटर लेंथ मिलता है और 1.4 मीटर हाइट है, और 1300 kg कर्ब वेट है होंडा सिविक का। होंडा CRV भी सिविक के ही प्लेटफॉर्म पर बनी है, और मुझे जो इसमें सबसे अलग लगी है वो चीज़ है ये जो आप देख रहे हैं, साइड इंडिकेटर्स जो आपको ठीक टायर के ऊपर मिलते हैं। और इसमें मिलते हैं आपको 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स। इससे लोअर वेरिएंट्स में आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। रेडियल ट्यूबलेस टायर्स हैं, आगे पीछे डिस्क ब्रेक मिलेगी होंडा सिविक में। योकोहामा कंपनी के टायर्स मिलेंगे सिविक में। LOS के बीच में होंडा का लोगो है, और यहाँ आपको लेफ्ट साइड के ORBM के नीचे आपको एक कैमरा मिलता है। ये है लेफ्ट साइड विजिबिलिटी के लिए कैमरा दिया गया है इसमें, जो कि काफ़ी एंटिक फीचर है। इंडिया, कनाडा, USA, UK, थाईलैंड में असेंबली होती है होंडा सिविक की। कई इंटरनेशनल कंट्रीज में बेस्ट सेलर और कार ऑफ द ईयर भी अवार्ड्स भी जीते हैं होंडा सिविक ने। कई ट्विनिंग कार चैम्पियनशिप में विनर भी रह चुकी है होंडा सिविक। एस बॉडी स्ट्रक्चर है सिविक का, जो इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करेगा और
किसी एक्सीडेंट में इंपैक्ट को फोर्स करके फैला देगा बॉडी पर, जिससे कि पैसेंजर पूरी तरह सेफ रहेंगे। और कुछ ऐसा दिखता है होंडा सिविक का रियर प्रोफाइल। सेफ्टी के लिए IIHS ने हाईएस्ट गुड रेटिंग दिया है होंडा सिविक को। सस्पेंशन की बात करें तो आगे मैक पर्सन स्टड्स कॉयल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेंगे, पीछे इंडिपेंडेंट मल्टी लिंक सस्पेंशन मिलेंगे होंडा सिविक में। सेफ्टी के अंडर 6 एयर बैग्स, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, ABS, EVD, ब्रेक असिस्ट, हिल स्टार असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर और कैमरा, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, साइड इंपैक्ट बीम, फ्रंट इंपैक्ट बीम, आईसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग, चाइल्ड लॉक, सिक्योरिटी अलार्म्स, इंजन इमोबिलाइजर और 3-point सीट बेल्ट्स मिलेगी। प्री टेंशनर्स और लोड लिमिटर्स के साथ 3 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी देती है होंडा सिविक पर। और यह है i-VTEC पेट्रोल इंजन की बैचिंग, ZX टॉप मॉडल की बैचिंग, और यह है होंडा का लोगो। यहाँ दूसरी साइड आपको सिविक की बैचिंग दी गई है। और यहाँ साइड में दोनों साइड सीट सेप में टेल लैंप्स दिए गए हैं। और यह है रियर पार्किंग कैमरा, ये आप रियर पार्किंग कैमरा देख रहे हैं। ये है रियर सेंसर्स, पार्किंग सेंसर्स। और यहाँ नीचे आपको एग्जॉस्ट टेल पाइप दिया गया है होंडा सिविक में। काफ़ी स्टाइलिश और शानदार रियर प्रोफाइल है होंडा सिविक की। सी शेप में टेल लैंप्स दिए गए हैं होंडा सिविक में। और यहाँ दिया गया आपको 430 लीटर का बूट स्पेस। और यह है टूल किट, इसे यहीं रख देते हैं। और ये कारपेट्स उठाएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे स्पेयर व्हील मिल जाता है टूल किट के साथ। और यहाँ साइड में भी थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है। और ये है 430 लीटर की बूट स्पेस, नीचे स्पेयर व्हील और टूल किट दिया गया है। चलिए बूट बंद कर देते हैं, आइए पैसेंजर साइड डोर ओपन करके देखते हैं। और यहाँ साइड में भी आपको विंडो पर भी क्रोम फिनिश दी गई है। और कुछ ऐसा दिखता है पैसेंजर साइड डोर। 4 स्पीकर, 4 ट्विटर का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा आपको सिविक में। और यहाँ पर आपको लेदर फिनिश दी गई है, साथ में सिल्वर फिनिश भी है। और यहाँ आर्मरेस्ट पर थोड़ी बहुत स्पेस है। आगे पावर विंडो कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये है बोतल होल्डर और काफ़ी स्पेस है नीचे। ये है डोर लॉक अनलॉक करने का बटन, काफ़ी शानदार डोर की फिनिश है। और ऐसे दिखती है पैसेंजर सीट्स। ये है आइवरी लेदर अपहोल्स्ट्री, काफ़ी शानदार सीट की फिनिश है। सीट पर 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, काफ़ी अच्छा लेग रूम मिल जाता है आपको होंडा सिविक में। और ऐसे दिखती है रूफ, बीच में रीडिंग लाइट है, आगे इलेक्ट्रिक पावर सनरूफ है, बीच में रीडिंग लाइट दी गई है। दोनों सीट्स के पीछे पॉकेट्स दी गई हैं। और यहाँ साइड में आपको कॉलेजबल डोर हैंडल दिए गए हैं डोर के ऊपर। और यहाँ ठीक बीच में आपको रीडिंग लाइट दी गई है रूफ में। और यहाँ पीछे आपको 2 स्पीकर्स दिए गए हैं, यहाँ पर आप कुशन पिलोज रख सकते हैं। और यहाँ ये बीच में आर्मरेस्ट है, इसे ओपन करेंगे तो यहाँ आपको 2 ग्लास होल्डर्स दिया गया है आर्म रेस्ट के ऊपर। और यहाँ आपको सीट के पीछे दोनों पॉकेट्स दी गई हैं। नीचे 2 AC वेंट्स दिए गए हैं। और ऐसा दिखता है आगे का डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पर इंटीरियर एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है,
टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, थ्री स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। मुद्दे की बात यह है कि डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा दिख रहा है और पैसेंजर कैबिन में काफ़ी स्पेस है और आगे भी आपको काफ़ी स्पेस दिया गया है। होंडा सिविक एक फाइव सीटर कॉम्पैक्ट सेडान है, काफ़ी लग्जीरियस और प्रीमियम इंटीरियर है होंडा सिविक का। आइए अब ड्राइवर साइड डोर ओपन करके देखते हैं और कुछ इस तरह दिखता है ड्राइवर साइड डोर। और यहाँ पर आपको डोर पर लेदर फिनिश दी गई है, साथ में सिल्वर फिनिश दी गई है और यहाँ आर्मरेस्ट पर भी आपको काफ़ी स्पेस दिया गया है। और ये है पावर विंडो कंट्रोल्स, ORBM कंट्रोल्स, ORBM के कंट्रोल्स के साथ यहाँ पर आपको बूट खोलने का बटन भी दिया गया है नीचे बोतल होल्डर के साथ। और यहाँ नीचे भी काफ़ी स्पेस दी गई है। और ये है स्पीकर, ये है ट्विटर और ये है डोर लॉक अनलॉक करने का बटन। सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल्स हैं और ये है टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन। और ऐसे दिखती है आगे दोनों शानदार सीट्स। ये है बेज आइवरी लेदर अपहोल्स्ट्री, दोनों सीट्स पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, सीट पर भी थोड़ी बहुत डिजाइंस दी गई हैं। यह है थ्री स्पोक स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पर आपको थ्री स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील पर भी सिल्वर लाइनिंग दी गई है जिससे काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है स्टीयरिंग व्हील। और यहाँ आप साइड में देख सकते हैं AC वेंट्स दिया गया है जहाँ पर आपको साइड साइड में सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाती है। और यह है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। और यहाँ नीचे आपको लाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं, ट्रैक्शन के कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये है बोनट खोलने का लीवर और ये है पैडल्स। 8-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलेगी और ये है 8-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट के फंक्शंस। यहाँ से आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के अनुसार। और आइए चलते हैं अंदर, अब देखते हैं ड्राइवर के सभी कंट्रोल्स। तो यहाँ साइड में आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है, इसके नीचे भी आपको काफ़ी स्पेस दिया गया है। और ये है कंटिन्यूसली वेरिएबल CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीजल में 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आएगा। और यहाँ आगे थोड़ी बहुत स्पेस है। और ये है डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, यहाँ आपको AC के सभी कंट्रोल्स दिए गए हैं, फ्रंट रियर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, पुश ऑटो के बटन्स मिल जाते हैं AC के। यहाँ आपको AC के सभी कंट्रोल्स दिए गए हैं, ऑन ऑफ करने का बटन है, फ्रंट रियर AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और यह है 7-inch का टच स्क्रीन एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम, सपोर्ट करेगा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वॉइस रिकॉग्निशन, ब्लूटूथ और HDMI, USB। बेस मॉडल में सिर्फ 5-inch का इंफोटेनमेंट मिलेगा आपको, ये आप टॉप एंड वेरिएंट में 7-inch का इंफोटेनमेंट सिस्टम देख रहे हैं। यहाँ पर आपको साइड में होम ऑडियो टेलीफोन बैक के बटन्स मिल जाते हैं। और यहाँ अंदर में आपको इसके अंदर ऑडियो फोन सेटिंग्स एप लिस्ट के बटन्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप इसे सेट कर सकते हैं। काफ़ी स्टाइलिश और शानदार इंफोटेनमेंट सिस्टम है। और यहाँ ऊपर आपको 2 AC वेंट्स दिए गए हैं, बीच में हैजर्ड लाइट का बटन है, साथ में सिल्वर एम्बिएंट लाइटिंग है। काफ़ी शानदार डैशबोर्ड की फिनिश है, डैशबोर्ड पर मेटल फिल्म एसेंट है। और ये है ग्लो बॉक्स, ग्लो बॉक्स में भी काफ़ी स्पेस है, साथ में लाइट भी दी गई है ग्लो बॉक्स में, काफ़ी स्पेस है ग्लो बॉक्स के अंदर। शानदार डैशबोर्ड की फिनिश है। और ये है ड्राइवर साइड, सॉरी ये है पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ।
और थोड़ा सा इधर आते हैं बीच में तो यहाँ पर आपको दो बड़े बड़े LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं जिसे आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये है रीडिंग लाइट, आप इसे आसानी से यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये है इलेक्ट्रिक सनरूफ के कंट्रोल्स, यहाँ से आप सनरूफ को ओपन कर सकते हैं। यहाँ आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इस तरह से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं सनरूफ को, यहाँ से ऐसे ओपन हो जाता है। ये भी हल्की से ओपन हुई है सनरूफ। यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं सनरूफ को। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है होंडा सिटी की सिविक। बात करें इसके इंटीरियर की तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर दिया गया है होंडा सिविक में। ये थोड़ा सा इसे क्लोज करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ठीक है, हो जाएगा। और यहाँ साइड में आपको ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर मिल जाता है लाइट के साथ। और ये है डे नाइट रियर व्यू मिरर। और ये है पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ। ये है डे नाइट रियर व्यू मिरर। और ये है होंडा सिविक का स्मार्ट एडवांस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर TFT मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ, जो दिखाएगा ट्रिप मीटर, कूलेंट टेम्परेचर, ऑडियो कॉल, सभी फोन कॉल्स, इंजन टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम और सीट बेल्ट वार्निंग्स, और भी कई वार्निंग लाइट्स दिखाएगा ये एडवांस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सिल्वर हाईलाइट में एडवांस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है होंडा सिविक का। काफ़ी स्टाइलिश और एडवांस फीचर्स मिलेंगे आपको होंडा सिटी में सिविक में। ये साइड में फ्यूल लेवल, दूसरी साइड ट्रिप मीटर दिया गया है, इसे आप यहां से ट्रिप मीटर को सेट कर सकते हैं। ब्लू हाईलाइट में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है होंडा सिविक का। और यहां साइड में ये है वाइपर्स के कंट्रोल्स, और ये है पेडेस्ट्रियन। और यहां दूसरी साइड लाइट के कंट्रोल्स है, साथ में पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं दोनों साइड। और कुछ ऐसा दिखता है इसका स्टीयरिंग व्हील, थ्री स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। और यहाँ दूसरी साइड आपको क्रूज कंट्रोल्स दिए गए हैं। और ये है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के कंट्रोल्स, फ़ोन कॉल्स के कंट्रोल्स, वॉल्यूम के कंट्रोल्स, वॉइस कमांड के कंट्रोल्स मिलेंगे यहाँ पर, वॉइस कमांड के कंट्रोल्स, फ़ोन के कंट्रोल्स, और साथ में पैडल शिफ्टर्स मिल रहे हैं, दोनों साइड पैडल शिफ्टर्स मिलेंगे। और ये है होंडा का लोगो, सिल्वर हाईलाइट है स्टीयरिंग व्हील पर, और काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर है होंडा सिविक का। ये है थ्री स्पोक पावर असिस्ट इलेक्ट्रिक लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, थ्री स्पोक पावर असिस्ट इलेक्ट्रिक लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है। आपको लगभग सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं स्टीयरिंग व्हील पर। और यहाँ साइड में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। और ये है बोनट खोलने का लीवर, आइए बोनट खोलते हैं और देखते हैं पेट्रोल इंजन। होंडा सिविक काफ़ी अच्छी रेटिंग के साथ आई है, एंड यूरो कैप ने 5 में से 4 स्टार दिए हैं होंडा सिविक को। और ये है 1800 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर i-VTEC होंडा आर 18Z1 पेट्रोल इंजन। इसकी 140 हॉर्स पावर है, 74 Nm टॉर्क है, 16 किलोमीटर का एवरेज मिलेगा 47 लीटर के फ्यूल टैंक से। और इसमें ही एक दूसरा डीजल इंजन भी आता है, वो है 1600 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर i-DTEC होंडा N16 डीजल इंजन। उसकी है 118 हॉर्स पावर, 300 Nm टॉर्क, और वो देगा 26 का एवरेज
47 लीटर के फ्यूल टैंक से, और ये आप 1800 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर i-VTEC होंडा आर 18 Z1 पेट्रोल इंजन देख रहे हैं। इसकी है 140 हॉर्स पावर, 174 Nm टॉर्क, और ये देगा 16 का एवरेज 47 लीटर के फ्यूल टैंक से। तो कैसी लगी आपको होंडा सिविक हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इस कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, हम आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो कैसी लगी आपको ये होंडा सिविक हमें कमेंट्स में एक बार ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको YouTube वीडियो देखने पर अगर थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो आप इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।